आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। पनीर पनीर को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए पहले रख देंगे। ये दूध है, पॉपी सीड्स हैं, खसखस, काजू बीजे दोनों तीनों तरीके के, खरबूजे का है और खसखस है। मखाने बाद में ऊपर से डालूँगी मैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं तो उससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता, थोड़ा दरदरा सा ही रहेगा। बाद में हम दूध में अच्छे से डाल के इसका पेस्ट बनाना है ताकि हम उसको छान सकें बाद में, इतना बारीक पेस्ट बन जाए ये। मिक्सी में डाल के और अच्छे से पेस्ट बनाते गए, दो तीन बार करना पड़ेगा इसको क्योंकि खसखस बहुत मुश्किल से बनता है। पेस्ट बनाते वक्त थोड़ा सा पनीर को अलग से दूध में भी डाल सकते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ें ना डाल रहे हो तो ऑप्शन वो भी है कि उसकी जगह को गाढ़ा कर सकते हैं। ये यहाँ पर पनीर ऐसे मिलता है का। पनीर के स्लाइस कर लेंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर रहे क्योंकि उनको हमने मैरिनेट करना है और टूट ना जाए, थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे और ये थोड़ा सा दूध में डाल के इसको पीस लेंगे एकदम। थोड़ा सा और दूध बाद में डालेंगे, इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बनानी है ताकि गाढ़ा हो जाए, बाद में हमें इसको भी मिलाना है। बहुत टेस्टी बनता है ये। इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं डाल रहे तो ऐसा नहीं कि खट्टा सा टेस्ट आए या कुछ है, क्रीमी क्रीमी सा। ये नमक वगैरह लगा दिए, काली मिर्च, नमक, वाइट पेपर लगा के और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। नींबू डालना हो, मैंने हरी धनिए की चटनी लगाई है, ब्लैक पेपर वाइट पेपर, ये सॉल्ट और वाइट पेपर, इसमें इलायची भी डाल दी, खुशबू आएगी। हरी धनिया डाल के मैं मैरिनेट कर रही हूँ इसको, कोई सा भी डाल लें, हरा कोरिएंडर डाल दें, मिंट डाल दें, जैसे आपको भी पसंद हो।
बाद में खाना यहाँ लगा होंगे, हम लोग यहाँ करते हैं तीनों जने। अब जो ये पेस्ट बनाया है इसको छान ले रही हूँ छन्नी से, हल्का सा लाल मिर्च और हल्दी को पहले जरा से घी में कर लिया, मक्खन में कर लिया, घी मक्खन दोनों मिला लिए थे। और अगर वाइट सा रखना है तो हल्दी और मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, बस वाइट पेपर डाला हुआ उससे ही इसमें तीखापन आ जाएगा। दूसरे दिन जब मैंने ये पेस्ट करके बनाया था तब मैंने इसमें हल्दी और मिर्च हल्के से धीमे करके और फिर एक रखी का जो छाना हुआ हिस्सा वो डाल के उसमें टमाटर बॉईल करा था फिर पीसा था। दूसरे दिन लाल लाल दे रंग क्योंकि उसको भी यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर। बच्चों को बहुत पसंद आता है उनको लंच में टिफिन में खा रहे हैं चावल के साथ भी बच्चे खा सकते हैं टीका करते हैं। एक बार तो जरूर बन ही जाता है। देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। चटनी के कारण खट्टा मीठा हो गया। और इसको ढक के बस रख देंगे तो ये थोड़ा गीला गीला हो जाएगा। बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं। ये फिर मैंने लच्छे वाला परांठा बना लिया, आटा मार लिया था उसमें और फिर उसके बाद मैंने परांठे बनाए पनीर के साथ करारे से लच्छा परांठे। चावल के साथ भी अच्छा लगेगा।
इसको आप बना के लंच डिनर ब्रेकफास्ट किसी में भी जो पसंद है उसमें आप इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और बताइए मुझे। मैंने आटा इसमें करा था, आटा इसमें माड़ा मैंने फूड प्रोसेसर में। एकदम सॉफ्ट और मुझे बार बार इतना हाथ से नहीं करना पड़ता। ये एक सारो इस आटे को मैं एक दो बार यूज़ कर लूँगी। बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी।